बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान अपना बुरा और भला समझ नहीं पाता है, जिस वजह से उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जिनमें से हमें जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना करने के बारे में बताया जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ज्ञान में ऐसी बहुत सी बातों का जिक्र किया है, जिसे अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है तो उसका जीवन सुधर सकता है। उन्हीं बातों में से कुछ बात मैं आपको बताने वाला हूँ, तो लेट एन स्टार्ट वीडियो। वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि आधा ज्ञान बिना ज्ञान से ज़्यादा घातक। आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं कि भय से कभी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपके किसी काम की सफलता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए भय के तुरंत सामने आते ही उस पर हमला करके उसे खत्म कर देना चाहिए। सिंपल सी बात है कि भय से कभी भागना नहीं चाहिए। क्यों? जैसे कि हम कोई सा भी काम करते हैं, किसी काम को हम स्टार्टअप करते हैं, लेकिन उसमें हमको हार का सामना करना पड़ता है और उसी हार की वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। इसके विपरीत हमें एक तरह से डर लगने लगता है कि ये हमारे लिए भय, किसी काम को हमने स्टार्टअप किया था और आज के समय में वो ख़त्म हो गया है। अगर उसको आपने तुरंत ख़त्म नहीं किया, यानी कि किसी काम को स्टार्टअप किया, अगर उसको फिर एंड नहीं कर दिया तो आपके अंदर भय बना रहेगा। अगर उसको ख़त्म कर दिया कि काम को स्टार्टअप किया था, तो उसको सारी चीज़ें, उसका जिस प्रकार से हमने मैनेजमेंट किया था, वो सारा का सारा आपने जैसा था पहले वैसा का वैसा कर दिया, या तो बिज़नेस ग्रोथ कर दिया, बिज़नेस बंद ही कर दिया, तो आपका अंदर एक खुद के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि हाँ, मैंने वो काम बंद ही कर दिया या फिर मैंने उस काम में सफलता हासिल कर ली। लेकिन अगर बीच में अटके रहे, या तो वो काम चल रहा है, धीरे से चल रहा है, थोड़ा बहुत चल भी रहा है, नहीं भी चल रहा है, तो उसकी वजह से आप डीमोटिवेट होंगे और जिसकी वजह से वो आपको भय लगा रहेगा, और वो भय धीरे 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 आपके माइंड के अंदर एक घर कर लेगा, और वो घर एक तरह से आपके अंदर इतना स्ट्रोंग हो जाएगा कि आपको हर टाइम आपको डिमोटिवेट करता रहेगा, जिसकी वजह से आप कोई सा भी स्टार्टअप सही से नहीं कर पाओगे। इन लाइनों में दो लाइन है कि भय से कभी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसी काम की सफलता में बाधा उत्पन्न कर सकता है। बस दो लाइनें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। दोस्तों, हमारे अंदर ये जो भय है ना, इस भय को भगाने का एक ही कारण है, उसका तुरंत सामना करो और उसको नष्ट कर दो। अगर एक बार वो नष्ट हो गया तो, यानी कि कोई सा बिजनेस स्टार्टअप किया आपने, अगर उसको बंद ही कर दिया या फिर अच्छे से ग्रोथ कर लिया, तो आप अगर बंद कर दिया तो आपके माइंड में आएगा यार दूसरा आइडिया अपन एक्टिव करें, अगर उसको ग्रोथ कर लिया तो आपके माइंड में आएगा कि इसको और ज़्यादा कैसे ग्रोथ करें। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, न ग्रोथ हो रहा है न बंद कर रहे हो, तो आपके अंदर वो बहुत बड़ी परेशानी लेकर आ सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हर बार की तरह वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि इसके बावजूद और भी ऐसी अच्छी बातें आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। कुछ ऐसी बातें जो आपको मोटिवेट करती है, दिल से अंदर से आपको मजबूत करती है। हर बार की तरह वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं आपका दोस्त हेमराज सिंह राजपूत।